नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज वीडियो को टक से लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर खुश रहना चाहते हो तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपको इस बात का कोई दुख नहीं होना चाहिए। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशी में सारा जमाना है। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, पर ज़्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना लेता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, वैसे आपको यह एहसास भी होने लगता है कि आपने अपनी जिंदगी में उन लोगों को व्यर्थ ही महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान नहीं था। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई नहीं गिरा सकता। मतलब की बात सब समझते हैं, बट बात का मतलब कोई नहीं समझता। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज एक ही घर में ना जाने कितने पड़ोसी हैं। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरने लगता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, हताश मत होना, क्योंकि ये वही समय है जिसमें आप पहचाने जाएंगे। अगर शेर के साथ रहोगे तो आपको जिंदगी में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वो आपको हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। इसीलिए गधों का नहीं, शेरों का संग करना सीखो। क्रोध हमेशा मूर्ख के साथ शुरू होता है और हमेशा पश्चपात के साथ खत्म होता है। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से जल्दी उठने में मदद करे। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देता है कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती हैं सूरत कैसी है, और स्पर्श बता देता है कि नीयत कैसी है। कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। भले ही आज तकलीफ भरी है, पर कल कामयाबी भी आपको बड़ी ही मिलेगी। हर बहाने को अपनी जेब में डाल दो, सिर्फ इस बात को ध्यान में रखो कि मैं कर सकता हूँ। ज्यादा सोचना बंद कीजिए और उस दुनिया से बाहर आए जो हकीकत में है ही नहीं। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस सही साबित होने में वक्त लगता है। एक साल लगातार फोकस और जीतोर मेहनत आपको जिंदगी में दूसरों से 8 साल आगे कर ले जाएगा। दोस्ती और मोहब्बत में फर्क सिर्फ इतना है कि बरसों के बाद मिलने पर भी मोहब्बत नजर चुरा लेती है और दोस्ती सीने से लगा लेती है। कभी कभी किसी शहर के बारे में हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वहां एक शख्स रहता है जिसे हम प्यार करते हैं। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी ना खराब कर सके। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस केवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर कोई जिंदगी पछताए। जिंदगी भी अजीब हो गई है, खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। जिस मुंह की चाहत में इश्क को बदनाम कर दिया, वरना इश्क तो आज भी राधा और श्याम को ढूंढता है। जो मेहनत करता है वही नाम करता है, वरना हर कोई अपने परिवार के पैसों से आराम करता है। कुछ भी नया करने में संकोच मत करो, ये मत सोचो कि हार होगी, हार तो कभी नहीं होती। या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी। कपड़े और चेहरे तो अक्सर झूठ बोलते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। खाली वक्त में तो हर कोई बात कर लेता है, प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। गलत वो तीसरा इंसान नहीं जो तुमसे बात करता है, गलत तुम हो
जो उसे बात करने का मौका देते हो। जिंदगी बहुत लंबी है और वक्त सिर्फ एक दिन का है, और वो है आज का। सफलता की चाबी कभी तैयार नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत का हुनर चाहिए। मुस्कुराने की आदत तो डालो, मुश्किलों को हराना आसान हो जाएगा। जब प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा। जब गोल पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगा। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी है, काम करते हुए सोचना सतर्कता है, और काम करने की बात सोचना मूर्खता होती है। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसीलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गवाना। किसी के ना होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी क्यों नहीं होती। बस अपने आदतों से ही मजबूर है आदमी, वरना सही गलत की समझ हर किसी को होती है। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वो एक दिन मंजिल पर पहुंच जाए। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी और के दुख का कारण बनता हो। कोई अपनी जिंदगी में बहुत अकेला है, और कोई अपनी जिंदगी में अकेला ही बहुत है। कौन देता है उम्र भर का सहारा जनाब? लोग तो जनाजे में भी कंधे बदलते रहते हैं। बाहर की भीड़ से ज्यादा खतरनाक होता है भीतर का अकेलापन। इसके में एहसान नहीं ता हक होता है जनाब। सोचो तो बिल्कुल अकेले हो, और अगर ठीक से सोचो तो ये ही सच है। रिश्ता भले ही कोई भी हो, लेकिन रिश्ता मजबूत नहीं, मजबूत होना चाहिए। कभी मौका मिला तो हम किस्मत से जरूर शिकायत करेंगे, क्यों छोड़ जाते हैं वो लोग जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं। मोहब्बत में बराबरी नहीं की जाती, महबूब को हमेशा अपने से बेहतर माना जाता है। इतनी बेरुखी आखिर किस लिए? तुमको खुद से ज्यादा चाहा क्या इसलिए? सुख में तो मिले, दुख में मिले ना कोई एक, साथ कष्ट में जो रहे वही मित्र है नेक। जब सब्र आ जाए तो चाहे कुछ भी छिन जाए आपकी जिंदगी से, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे सिर्फ एक ही इंसान से मतलब था, पर अफसोस वो भी मतलब ही निकला। इंसान उसी के लिए रोता है जिसके लिए वह दिल में कुछ महसूस करता है। तुम्ही से रूट कर तुम्ही को सोचते रहना, मुझे तो ठीक से नाराज होना भी नहीं आता। तुम्हें पसंद तो सब करेंगे, पर तब जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा रखो। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, लेकिन एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हारा साथ देने पर मजबूर हो जाए। बुरे वक्त में आपसे कोई स्नेह करने वाला हो तो वही आपका सच्चा मित्र होता है। जिंदगी में कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, और यही फैसले एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि हमारी जिंदगी की अधिकतर दुख हमें हमारी भावनाओं में बहने की वजह से मिलती है। बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना, यही आपकी सबसे बड़ी सफलता है। हम सोचते थे कि जिंदगी बदलने में बहुत समय लगेगा, पर क्या पता था कि बदलता हुआ समय जिंदगी ही बदल देगा। क्या असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, हताश मत होना, क्योंकि ये वही समय है जिसमें आप पहचाने जाएंगे। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना लेता है। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है और हमेशा पश्चात पे खत्म होता है। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरने लगता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, वैसे आपको एहसास भी होने लगता है कि आपने अपनी जिंदगी में उन लोगों को व्यर्थ ही महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान नहीं था। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।